अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बेसन की रोटी बनाने का तरीका, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। ये आपके सामने एक कप बेसन पड़ा हुआ है, इसके अलावा कुछ मसाले हैं और यहाँ पे ये हरा धनिया और ये प्याज वगैरह। मैं आधा चाय का चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, एक चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, एक चुटकी अजवाइन ऐड की है, आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया है, एक चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड किया है और एक चाय का चम्मच धनिया ऐड किया है जिसको हमने क्रश कर लिया। 2 से 3 टेबलस्पून हमने हरा धनिया इस्तेमाल किया है, अनारदाना हमने एक चाय का चम्मच लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और थोड़ा सा लहसुन। ये सब मसाला जात और ये सारा कुछ हम एक कप बेसन के अंदर ऐड करके इसके अंदर वाटर डाल, इसमें अब हम एक कप बेसन ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम ये सारा ऐड करेंगे। अब ये मसाला जात हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करना है। ये आपके सामने हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है जी। अब हम नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर बेसन की रोटी का मसाला जो है वो स्प्रेड कर देंगे जी। तो अब ये सारा पेस्ट मैं फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ और इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूँगी। देखें ये आपके सामने कितनी खूबसूरत लग रही है और ये अभी तैयार नहीं हुई, अभी तैयार होगी तो और खूबसूरत भी लगेगी और मज़ेदार भी लगेगी और इसके साथ साथ आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी जी। तो आपके सामने खूबसूरत बेसन की रोटी तैयार है।